डीजीएमसी के प्रधान हैं, उनके ऊपर कैसे जानलेवा हमला हुआ, और ये हमला राहुल गांधी के यूके के बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे 84 के कत्लेआम से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, और कुछ घंटे बाद ऐसे लोग जिनका सीधा कनेक्ट कांग्रेस पार्टी के साथ है और ISI के साथ है, ऐसे लोगों ने मिलजुल के हमारे प्रधान मनजीत सिंह जीके के ऊपर हमला किया, जिस मनजीत सिंह जीके के खिलाफ जगदीश टाइटलर ने FIR भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने ये समझा कि जो लोग ओपनली उनको थ्रेट कर रहे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हमले करने के, उनको खत्म करने की बातें कर रहे हैं, तो आज एम्बेसडर USA से हम मिलने आए हैं ये कहने के लिए कि हमारे वहाँ हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए हुए हैं एक पीस का मैसेज लेके कि 550 साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के आ रहे हैं, हम दुनिया भर के सिखों को जोड़ के इसको मनाना चाहते हैं, और इस पीस मैसेज को जहाँ वहाँ के लोगों ने इनवाइट किया कि हम इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपके देश में हैं जो ISI के साथ कनेक्शन रखते हैं, ISI से उनको फंडिंग मिलती है, जिसका कनेक्ट लिंक कांग्रेस और 84 के कत्लेआम करने वाले लोगों से भी निकल रहा है, वो लोग मिलके जब ऐसा जानलेवा हमला कर रहे हैं तो उनको आने वाले प्रोग्राम्स के उनको सिक्योरिटी भी दी जाए, और जो लोगों ने ये किया है पूरा उनको एविडेंस दिया है, प्रूफ दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग दी है, वो सारे लोगों ने जिन्होंने अटैक किया हो उनके आपके कानून के हिसाब से बनती हुई कार्रवाई सख्ती से करी जाए। एम्बेसडर हैज सेड द लीगल डिपार्टमेंट वाज सिटिंग देयर एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी कन्वेड एट द हाईएस्ट लेवल एंड अश्योर्ड अस दैट ऑल हेल्प विल बी एक्सटेंडेड एंड लॉ विल टेक इट्स कोर्स, नोबडी विल गेट अवे स्कॉट फ्री। अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए, एक सिख होने के नाते उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जब 84 कराया इंदिरा गांधी और उसके परिवार ने, राजीव गांधी ने, जब 84 के कत्लेआम हुए और उससे पहले जब इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पे हमला कराया, तो यही अमरिंदर सिंह ने उस टाइम कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। ये अलग बात है कि कुर्सी की लालच में फिर उसी कांग्रेस पार्टी में चले गए, लेकिन मैं अमरिंदर सिंह से पूछना चाहती हूँ कि जब हमला हुआ और कत्लेआम हुए जे उस टाइम राहुल गांधी जी 14 साल के बच्चे थे, तो 14 साल कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं होता, लेकिन आज 14 साल के नहीं, आज वो 50 साल के हो गए हैं, और 50 साल की उम्र में जे उनको अभी तक नहीं समझ आया, जे नानावती कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ सके, जे हजारों चश्मदीद गवाह की बात उनको नहीं मान सके, तो सज्जन कुमार जो जगदीश टाइटलर का स्टिंग है जहां वो खुद बोल रहा है कि मैंने 100 सिख मार लिए मेरा क्या हुआ, तो उसी स्टिंग को मान ले, तो क्या अभी 50 साल की उम्र में भी उनकी दिमाग अभी 14 साल का है कि अभी उनको समझ नहीं आ रही है, जैसे उस टाइम ना समझते क्या इस 50 साल की उम्र में ना समझ है। तो ये बिल्कुल सरासर जो कांग्रेस पार्टी हम कहते रहे 35 साल से उन लोगों को बचाने में और उनको औदों से नवाजने में लगी रही है, ये एक और चीज है कि राहुल गांधी कह रहे हमने उसके साथ कुछ हमारा लेना देना ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को बचाने के लिए आज ऐसी चीजों की जब मदद करते हुए दिखते हैं तो मुझे शर्म आती है कि एक ऐसा सिखों का लीडर बना हुआ है जिसको अपने आप पे शर्म नहीं लेकिन सिर पे दस्तार सजा के सिखों के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। मैम टाइटलर मामले पे इस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, सिखों जो जिन्होंने अटैक मनजीत सिंह जीके के ऊपर किया है, आपको सुन के हैरानी होगी कि वो जगसीर सिंह लोबाना और उनका लड़का गगनदीप सिंह लोबाना, उनके लड़के, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो दर्शन कौर जिन्होंने चश्मदीद गवाह जगदीश टाइटलर के खिलाफ थी और उन्होंने अदालत में उनके खिलाफ गवाही दी है, उनको गवाही वापस लेने के लिए जरा धमकाने के लिए यही दो लोग थे जो उसको धमका रहे थे, और वही जगदीश टाइटलर ने मनजीत जीके के खिलाफ FIR भी किया है जब स्टिंग उसने एक्सपोज की है, और अब अमरीका में जाके वही लोग जो दर्शन कौर को धमका रहे थे वो मनजीत सिंह के ऊपर जब जानलेवा हमला करते हैं चंद घंटों बाद, जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, तो राहुल गांधी में जगदीश टाइटल में क्या लिंक है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये लोग जो जगसीर सिंह जो 3 महीने जेल काट के आए इस दर्शन कौर को धमकाने के चक्कर में, उसमें और जगदीश टाइटल में लिंक क्लियर है, और ये उनके साथ जो लोग थे सिक्स फॉर जस्टिस के, जो लोग सिक्स फॉर जस्टिस के साथ हैं
और सिक्स फॉर जस्टिस जो ISI फंड करती है उनके पैसों से खालिस्तान की मांगे रखी जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया जाता है। ये पूरा एक नेक्सस एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। टाइटलर ने हमला करवाया, टाइटलर के बंदे जो दर्शन कौर को धमकाते थे अब वो मनजीत सिंह के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस मनजीत सिंह के ऊपर टाइटलर ने FIR दर्ज किया है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। जी बिल्कुल, गुरपत पन सिंह पंजू का काम ही यही है कि उनका लीगल डिपार्टमेंट चलता ही ये सब कामों के लिए है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अमेरिकी सरकार है वो जरा ये सिक्स फॉर जस्टिस और गुरप्रताप सिंह पन्नू जो हैं उनके कार्रवाई के ऊपर भी ध्यान दे, वो क्या कामकाज कर रहे हैं।